हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर प्रेम बलोल मैथ के YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं जानते हैं आप, मैं प्रेम मेहरा और आपको प्रतिदिन जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसमें हम आगे की बात करते हैं। उससे पहले सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए जिससे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई आज का ये जो अपन ने टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाला जो चैप्टर चालू किया था वो आज इसकी अंतिम क्लास होगी और ये क्लास जबरदस्त क्लास होगी। तो एक बार भाई हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार भाई सभी व्यक्ति सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आ सके। जल्दी से जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी जो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये जबरदस्त जो हमने कल बात की थी पहले पार्ट में वो बहुत अच्छी रेस्पॉन्स मिला उसका, तो उसको देखते हुए आज का भी जबरदस्त वीडियो बनाएंगे और बहुत शानदार तरीका से पढ़ाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखा करो और कमेंट में बताया करो भाई आपको कैसा लगा। कोई विद्यार्थी कमेंट बताता नहीं है, कोई बताता है कोई नहीं बताता, तो भाई जो देखता है वो तो सभी बताइए। कल काफ़ी लोग देख रहे थे लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया। देखते लाइक नहीं करते तो भाई ऐसा मत करो कि देखते और लाइक नहीं करते, तो भाई देखते तो लाइक भी कर दिया करो। आपको इतनी के लाइक करने में पैसा लग रहा है, किसी का पैसा लगता नहीं लाइक करने में कि लाइक कर देंगे तो भाई को अपना पैसा चल जाएगा जेब से, कोई अब जेब से पैसे नहीं जाने वाला। बोलता है आपके लिए ही बहुत फ़ायदा है जिससे कि आप जब भी हम यूट्यूब पर ऑनलाइन आएंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, आज का जबरदस्त पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, पढ़िए भाई ये वाला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी एक बार पढ़िए, आसान तरीका से पढ़िए। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सभी करिए भाई इसको, सभी करके देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए स्पेशल। देखो पहला क्वेश्चन आज का, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता तो वही 7 मिनट देरी से पहुंचता, परंतु यदि मैं 6 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता। कितने मिनट? 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? मेरे घर से और कॉलेज की दूरी कितनी है पूछा। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन होगा। तो क्या कह रहा भाई, 5 की स्पीड से चलता वो, 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो 7 मिनट क्या भाई लेट पहुंचता है। यदि वो 6 किलोमीटर की दूरी से चलता है, 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो वो क्या करता है कि क्वेश्चन में क्या भाई 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट देरी और ये पहले भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन एक बेसिक तरीका बता रखा कि देखो ए बी बटे ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अपने बता रखा, इस फॉर्मूले से अपन को हल करना भाई। तो देखो भाई जो कह रहा है कि 5 किलोमीटर, 5 × 6 बटे दोनों का डिफरेंट क्या भाई 1, गुणा इनको योग किया और 1 मिनट में भाई 1 घंटे में कितना मिनट होती है, 60 मिनट होती है, अपन 60 का भाग दे देंगे तो 12 × 60 5 का भाग इसमें दिया तो भाई कितना आ गया ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कॉलेज से और घर के बीच की दूरी पूछिए भाई। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपन को हल करना है। मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन शानदार तरीका से आ गया। देखो विद्यार्थी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, एक बार सभी जनता करिए भाई जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो क्वेश्चन को करिए, एक बार सभी विद्यार्थी करिए और एक बार भाई शेयर कर दीजिए वीडियो को सभी और लाइक करना तो बनता है। देखिए भाई कि 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से तय करते हैं। यदि दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगता है, मतलब एक व्यक्ति जो चाल चलता है दूसरे व्यक्ति की चाल से, वो जो टाइम बराबर दूरी है लेकिन वो 16 मिनट अधिक लेता है, तो ये पूछेगा कि कितनी दूरी तय करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपको बताया भाई। एक व्यक्ति ये चल रहा है भाई 15 की रफ्तार से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दूसरा चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन जो दोनों डिफरेंट है वो है कितने का, 16 मिनट का भाई, 16 मिनट का तुम्हें डिफरेंट, वो कैसे निकालना अपन को, जो दूरी पूछी अपन को, डिस्टेंस पूछा, तो किस प्रकार से अपन निकालेंगे। देखो दोस्तों यहां पे क्या करेंगे अपन, ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा ए प्लस जो टाइम है डिस्टेंस बटे यहां पे जो आएगा सेकंड का या फिर मिनट का आएगा, इस प्रकार से अपन को इनको हल करना भाई। तो देखो भाई अपन के पास 15 × 16 दोनों में अंतर एक का, टाइम कितने का भाई 16 का डिफरेंट है, 16 बटे एक मिनट में सॉरी एक घंटे में 60 मिनट होती, तो अपन 60 से गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे, 15 × 15 का भाग 60 में देंगे, 15 × 60 और 4 का भाग 16 में देंगे, तो 4 बार जाएगा और इनको अपन ने गुणा किया तो 16 × 64 तो कितने दूरी तय करेगा भाई, 64 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये भाई अपन का करेक्ट आंसर है। इस प्रकार की दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 64 किलोमीटर दूरी है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन था, एक बार पढ़िए फिर क्वेश्चन को देखिए एक बार कि वो कह रहा है कि एक 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 16 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, लेकिन दूरी क्या है, दोनों में बराबर है, लेकिन दोनों जो अंतर जो 16 मिनट अधिक लगती है एक को बी से, तो वो अपन कितनी दूरी तय करेगा, 64 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होता हुआ। अब बात करते अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। करिए भाई ये क्वेश्चन को हल करिए सभी विद्यार्थी एक बार करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है। आज का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो करिए भाई देखो क्वेश्चन कि स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा से है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाने की चाल यदि 42 किलोमीटर है, तो कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकेगी। भाई देखो भाई जो रुकने का टाइम को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यदि जो रुकने वाला समय उसको हटा दिया जाए तो वो 42 किलोमीटर की रफ्तार से, तो अपन से पूछा कितना टाइम लगेगा, जो एवरेज पूछा है वो अपन से पूछा है। दोस्तों देखो भाई रुकने में लगा समय, एक तो 42 की फिर 28 की, तो कितना टाइम रुकी, 14 किलोमीटर वो डटे, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो डटे। ये बात अपन से पूछिए स्टेशन पर रुकने का समय, सॉरी स्टेशन ले देता भाई, स्टेशन पर रुकने का समय। अब बात करते अपन जो रेलगाड़ी का रुकने में लगा समय, रेलगाड़ी को रुकने में लगा समय कितना भाई, कितना डटी वो, 14 किलोमीटर डटी थी इंटू 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो डटी। अपन को पूछा है कि कितना समय लेगा, तो भाई देखो समय रुकने में जो सम्मिलित होगा वो पूछा है, तो 14 / 42
इंटू समय भाई एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, अपन 60 से इसको गुणा कर देंगे तो 14 42 तीन का भाग दिया था इसमें 20 बार, तो अपना भाई 20 मिनट वो क्या की 20 मिनट का टाइम लेती है वो रुकने में, तो उसके जो औसत निकलता है एवरेज निकलता है वो कहीं 20 मिनट का टाइम लगता है। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को भी हल किया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बड़ा लेकिन आंसर छोटा भाई, लैंग्वेज को पढ़ना है अपन को कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। लैंग्वेज ये कहना चाह रही है कि जो स्टेशन रुकने के समय को चाल तो वो क्या भाई 28 किलोमीटर, यदि जो रुकने के टाइम को चाल को हटा दिया जाए तो वो 42 किलोमीटर हो जाती है, तो दोनों में जो टाइम लगा 14 किलोमीटर, लेकिन इस गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगा 14/42 इंटू मतलब मिनट क्या होती है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा किया तो 20 मिनट का टाइम आ गया, तो वो 20 मिनट ही रहती है भाई एवरेज के हिसाब से देखा जाए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन की बात करते भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। करिए भाई ये क्वेश्चन बहुत और भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अपन ने क्षेत्रमिति वाली प्रश्न पढ़ाई थी वृत्त वाली उसी टाइप में से अपन को इसको पूछा, उसी टाइप से अपन को करना भाई कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ता एक चक्कर में 2 मिनट में पूरा करता है, एक चक्कर को 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति याद कीजिए, गति कितनी होगी। देखो भाई तो सबसे पहले तो अपन को भाई जो अर्धवृत्त पूछा है, अर्धवृत्त तो ये अर्धवृत्त क्या हो गया, पूरा होता है वृत्त, जो अर्धवृत्त का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या बोले तो भाई जो व्यास की क्या आधी होती है, तो ये दे रखी अपन को 100 मीटर। अब गोलाकार रास्ता, गोलाकार रास्ते की परिधि कितनी हुई 2πr, लेकिन यहां पाई का मान कितना देखा 3.14, अपन को पाई का मान इस्तेमाल करना है। तो भाई कोई रास्ता होता है गोलाकार, तो इस प्रकार से रास्ता होता है, ये क्या दिखता अपन वृत्त, वृत्त दिखता भाई, तो वृत्त क्या होता है पूरी परिधि को अपन क्या कहते हैं, अपन जो वृत्त की परिधि होती है, और ये यहां से जो सेंटर से अपन ये करते हैं ये क्या होगी डायमीटर, तो पूरा होता है व्यास, और यहाँ पे ये होती है जो क्या होती है परिधि कहते हैं अपन, यहाँ से ये वाली को अपन क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो इस टाइप से अपन को ये पूछा है, तो यहाँ पे देखो भाई अपन क्या करेंगे, मैंने 2 लिखा गुणा आर का मान अपनों दे रखा है कितना 100, और पाई का मान 3.14 किया इंटू 100 किया, अब पूरे को सॉल्व किया 314 गुणा 2 किया तो कितना 628, 100 से किया तो 628 मीटर आ गया, 628 मीटर टोटल आ गया भाई। अभी 628 मीटर तो आ गया, अपन को पूछा है भाई कि तय की गई दूरी, तो 2 मिनट में कितनी दूरी थी गई उसने 628, 2 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हुई 628 मीटर। तो वो पूछा, क्या पूछा अपन से कि साइकिल सवार की, तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी भाई, 1 मिनट में 628 अपन ने 2 का भाग दिया तो ये हो गया 314 मीटर प्रति सेकंड। तो सब जो साइकिल सवार है क्या भाई, साइकिल सवार की गति कितनी होगी 614 मीटर प्रति सेकंड गति, इसमें ऑप्शन नंबर बी भाई करेक्ट आंसर। इस प्रकार से अपन को हल करेंगे, बेसिक तरीके से अपन इस क्वेश्चन को आपको बताया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया, लेकिन एक बार फिर इसको मैं रिपीट कर देता हूं भाई किस प्रकार से अपन रिपीट करना है।
तो देखो भाई रिपीट कैसे करना है कि अपन कुछ अर्धवृत्त 100 मीटर दे रखा था, अपन अर्धवृत्त को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या 100 मीटर था, तो गोलाकार रास्ता जो पड़ती होती है वो 2πr होती है, तो अपन को क्या भाई यहाँ पे पाई का मान दे रखा 3.14, तो लिखा था अपने 628 मीटर आ गया था, 2 मिनट में तय की गई दूरी 628 मीटर, उसमें अपन 2 का भाग तो 1 मिनट में 614 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो साइकिल सवार गति करनी 314 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो दूरी वो तय करता। अब बात करते अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार भाई सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे लाइव आ सके, और जो देख रहे हैं वो भाई लाइक तो करे, कम से कम लाइक करना बनता है, जो विद्यार्थी सभी देख रहे हैं वो लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए भाई कैसा लग रहा है सेशन, आपको कैसा भी लग जबरदस्त लग रहा है सेशन तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो भाई कि ए और बी की चाल का अनुपात अपन को देगा 3:4, यदि ए निश्चित दूरी बी से 24 मिनट में तय करता तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। भाई देखो कि अपन को दे रखा है ए और बी दे रखा है, इनकी जो स्पीड है स्पीड का रेशो दे रखा है 3:4 दे रखा, तो टाइम का रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा 4:3 हो जाएगा। भाई अपन को पूछा है क्या भी कि जो बी है वो 24 मिनट टाइम ले रहा है, 24 मिनट का दी कितने गुने पर बैठे, 8 गुने पर बैठा है, 8 से 6, तो ये कितने, इसको भी अपन 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 मिनट, और आंसर भाई 32 मिनट अपना करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत, कोई को दिक्कत, कोई विद्यार्थी को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी, डायरेक्ट अपन को चाल दे रखी है और टाइम पूछा है, तो अपने चाल के रेशो को टाइम में चेंज किया, तो क्या मैंने बोला कि भाई चाल समय का उल्टा होता है, तो ये उल्टा होता है, फिर अपन को दे रखा है कि बी कितनी दूरी तय कर रहा है, भाई कितने मिनट टाइम ले रहा है वो, तो 24 मिनट, तो इससे 3 से गुणा, तो इसको भी अपन 8 से गुणा कर लिया, क्योंकि 3 गुणा 1 किया तो 8 बार, फिर इसको भी 8 से गुणा कर 32, तो 32 मिनट का टाइम लगेगा एक को। भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करना था, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में करवाया, और किसी विद्यार्थी ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से वो चैप्टर को देख सकता है, पहले वाले पार्ट को देख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन, और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रेन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, जो आप सभी को देखना है जबरदस्त, तो भाई कमेंट करके बता दीजिए कि कल ट्रेन का टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है भाई। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कि बम्बई एक्सप्रेस बम्बई जाने के लिए 14:30 बजे चलती है, इसकी चाल 60 किलोमीटर की रफ्तार से, राजधानी एक्सप्रेस बम्बई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:24 बजे चलती है, तो इसकी चाल 80 किलोमीटर है, तो दोनों ही रेलगाड़ियों के बीच दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी भाई। देखो यह बम्बई है और यह दिल्ली है भाई, जो बम्बई से जो कार जो आ रही है वो ट्रेन, उसकी स्पीड भाई कितनी, बम्बई से जाने के लिए दिल्ली तक पहली वाली ट्रेन की स्पीड है 60, यहां से जा रही तो वो 60 की रफ्तार से जा रही है 60 प्रति घंटा, और फिर वो उसी दिन दिल्ली से, तो ये कितने टाइम पर चलती है 14:30, अब तो अपन कह सकते 2:30, और ये वाली जो दिल्ली से जा रही है वो जा रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से,
ये 16:30 का, लेकिन अपन क्या कहेंगे 4:30 इसको बोलेंगे। और पूछा कि जो दिल्ली से वो कितनी दूरी पर जाके मिलेगी, ये बात अपन को पूछिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, जिनका टाइम है, जो टाइम का जो डिफरेंट है वो निकालेंगे, टाइम में कितना डिफरेंट लगा एक बार करके देखिए सभी विद्यार्थी इसको। देखो बंबई और दिल्ली के बीच जो ट्रेन है रेल में लगा समय का अंतर कितना भाई, 4:30 पे और ये 2:30 पे, तो ये कितना टाइम का भाई, 2 घंटा का अंतर है, ये 2 घंटा का अंतर है। लेकिन उनकी जो गति है उसमें कितना अंतर है, एक तो धीमी गति चल रही है, तेज गति चल रही, तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी जाएगी भाई, 80 - 60 = 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर क्या भाई, चाल होगी, दोनों डिफरेंट हो गया। अब अपन को क्या निकालना भाई, तो धीमी वाली गति बंबई से, जो बंबई से चल रही है, जो बंबई से जो गाड़ी चल रही है वो कितनी रफ्तार चली, 60 की सी, टाइम कितना, 2 घंटा, बराबर कितना भाई, 120 घंटा प्रति। लेकिन अपन को क्या, 2 घंटे में तय की गई दूरी वो कितनी भाई, 120। अब अपन को समय चाहिए, कितना समय लगेगी, तो समय भाई देखो 120 में अपन 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 घंटा लगा। लेकिन टोटल कितना आ गया भाई, 6 घंटा तो ये और 2 बजे 8 घंटा, 8 घंटा में क्या भाई, 8 घंटा में जो बम्बई से दिल्ली जाने में, 8 घंटा में बम्बई, समय तो देखो भाई वो कितना आ रहा, 80 की रफ्तार से आ रहा। तो देखो ये सॉरी ये तो 60 के जा रहा है, तो क्या करेंगे, 60 × 80 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480। तो ये 480 किलोमीटर दूरी तय करेगा जब बम्बई में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो 480 किलोमीटर की वो क्या है दूरी तय करेगा जब वो दिल्ली जाके इससे मिलेगा। तो यही तो अपन से पूछा भाई कि किस प्रकार से, मतलब कितनी दूरी जाके वो एक दूसरे से दोनों ट्रेन मिलेगी। तो वो ट्रेन भाई यहाँ से चलेगी 60 की रफ्तार से दिल्ली वाली ट्रेन, तो 480 किलोमीटर पर जाके दोनों एक दूसरे की तरफ मिल जाएगी ट्रेन। ये अपन से बात पूछा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ होगा। एक बार फिर भाई आपको रिपीट करवा देता, जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार फिर दोबारा भाई आपके स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन को ऊपर की तरफ लगा दो जिससे कि क्वेश्चन नीचे हल हो जाएगा, और क्वेश्चन ऊपर लगा दी, लग गया भाई। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछ रहा है जो बम्बई से जा रहा है वो भाई 60 किलोमीटर की रफ्तार से, और 14:30 पर वो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जो दिल्ली से आ रहा है वो 60 किलोमीटर रफ्तार से 16:30। तो दोनों का टाइम का जो रेल में लगाया समय का अलग है, समय का अंतर भाई 2 घंटा लगा है, लेकिन सापेक्ष चाल निकालते दोनों जो अलग अलग दिशा से आ रही, तो वो क्या अंतर होता है, तो सापेक्ष चाल का मतलब होता है 20 किलोमीटर। तो ये दोनों में अंतर क्या होगा, 20 किलोमीटर अपन ने निकाला। तो भाई वो यहाँ से जो 2 घंटा का टाइम लगा, 2 घंटे बाद ही जिससे मिल रहा है, तो 2 घंटा 60 की रफ्तार से चलता है, 2 घंटा तो वो कितनी दूरी का लगा, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा तो भाई क्या करेंगे अपन, 120 में 20 का भाग दे तो 6 घंटा आ गया। अभी 6 घंटा लगा, 2 घंटा वो 8 घंटे में बम्बई से जाने में लगा समय, तो भाई
60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 60 गुणा 8 करेंगे 8 × 48 और 480 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा जब वो बम्बई वाली ट्रेन के बीच वहां मिलेगा। तो दोनों ट्रेन 480 किलोमीटर दूरी पर जाके अपने दोनों को मिलन होगा। तो ये बात पूछिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार लगा होगा आपको। तो भाई एक बार शेयर कर दीजिए भाई जाने से पहले, और लाइक तो बनता है, लाइक करना है ना भूले, क्योंकि ये मेहनत जो की जा रही जो आप ही के लिए की जा रही जबरदस्त मेहनत है। तो भाई कोई कोई विद्यार्थी क्या करता है कि चैनल को डिसलाइक कर देता है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दूँ, लेकिन भाई जो अच्छा लगता है फिर भी आप लाइक नहीं करते तो उसमें गलत बात है, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जा रही है और आप भी जब लाइक नहीं करेंगे शेयर नहीं करेंगे तो भाई मैं कैसे करूँगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ भाई एक बार प्लीज सभी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए सभी भाई, एक ये रिक्वेस्ट मान लो भाई प्रेम सर की, जिससे आपको और भी अच्छे अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे मैथ की क्लास के अंदर, रीजनिंग की क्लास के अंदर शानदार क्लास लगा दी जाएगी और भी टीचर लगवा दूंगा, लेकिन पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो भाई क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, जब आप ही ऐसे करेंगे तो फिर आगे कैसे पार पड़ेगी। आप ही के लिए मैथ का कंटेंट प्रतिदिन तैयार किया जा रहा है, प्रतिदिन आपको पढ़ाया जा रहा है, टाइमिंग भी सही, रेगुलर टाइम पर वीडियो अपलोड हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा, फिर भी आप ऐसे कर रहे तो भाई मुझे जस्ता नहीं। तो मेरी राय आपको कैसी लगी भाई सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। तो हमारे चैनल पर पहली बार तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटी दबाइए, जब भी मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए थैंक्स।